सिर्फ एक दिन रेहान, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के 24 घंटे दे दो, सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन मांग रहा हूं तुमसे रेहान, एक दिन मांग रहा हूं बस, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो इसे, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। अगर उसके बाद भी तुम्हारा ख्याल ना बदला तो मीरान असलान भी खुद को दुनिया से मिटा देगा, फिर ना ही उसको देख पाओगी ना सुन पाओगी। इतनी जालिम मत बनो प्लीज, बस एक आखिरी चांस रेहान। मैं वादा करता हूं अगर इन 24 घंटों में तुम्हारा ख्याल ना बदला तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये सब कुछ यहीं खत्म कर दूंगा मैं रेहान, एक आखिरी चांस। तुम ऐसा क्या कर लोगे इन 24 घंटों में मीरान? बहुत कुछ प्लीज, सिर्फ 24 घंटे दे दो। चलो ठीक है, तुम्हारी दादी की खैर है, लेकिन हैरत है मुझे, ये सब करते हुए तुमने अपनी माँ का भी नहीं सोचा। कुछ भी हो गोनल, आखिर माँ है तुम्हारी, वो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कितनी परेशान होंगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और भी ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी था क्या? दादी जान और परेशान हो और मीरान को ढूंढना शुरू कर दें, वरना ये मामला यहीं पे लटका रहेगा। इसलिए तुम अपनी अकल कम इस्तेमाल करो। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस रात तुमने खुद अपने आप को छुरी मारी थी और इल्जाम रियान पर लगा दिया था। मीरान के लिए अपनी जान तक की परवाह ना करूं, और तुम आजाद साहब सिर्फ हाथ में पिस्तौल लेकर लड़की किडनैप कर सकते हो और कुछ नहीं। तुम मीरान के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गोनल? क्या वो भी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकता है? क्या है कोई जवाब इस बात का? तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी दादी जान ने अब तक मेरी तलाश शुरू कर दी होगी, और इस कॉल के बाद दादी जान मीरान को भी ढूंढ लेंगी और रियान को भी उससे दूर ले जाएंगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चलो देखते हैं, जो तुम कह रही हो ऐसा होगा भी या नहीं। वैसे क्या दादी तुमसे इतना प्यार करती है? ऐसे कब तक मेरे पीछे चलते रहोगे तुम? क्या तुम्हें पता भी है तुम कहां जा रही हो? पता है मुझे, अपने घर जा रही हूं मैं। सिर्फ एक दिन दे दो रेहान, मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दो प्लीज। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली रेहान। मैं जानता हूं कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कहीं ना कहीं जगह बाकी है। तुम अपने दिल से मुझे कभी नहीं निकाल सकती, कभी नहीं। प्लीज मेरे लिए, उस दिल की खातिर जिसने तुमसे मोहब्बत की है,
ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन। हाँ ठीक है। मेरा बचपन तुम्हारी तरह नहीं था रियान, मुख्तलिफ था। जब मैंने होश संभाला तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बू नहीं हैं। तब से दादी जान की जुबान से बस यही सुना कि तुम्हारे मां बाप को शादुल खानदान ने मारा और उनसे बदला लेना होगा तुम्हें, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम तब तक सुकून से नहीं बैठोगे जब तक अपने मां बाप का बदला न ले लो। मैंने खुद को इस नफरत के साथ बड़ा किया। मेरी दादी जान मेरा सब कुछ थी, मेरी मां और मेरा बाप। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में बड़ा किया। जब मुझे ठंड लगी तो मुझे ठंड से बचाया, जब मैं रोया तो मेरे आंसू साफ किए उन्होंने। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें गोनल से शादी करनी होगी। मेरा सारा बचपन गोनल के साथ गुजरा था। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि गोनल से शादी करूंगा, लेकिन दादी जान ने कहा कि तुम्हें हमारी फैमिली के लिए सब करना होगा। हम बाहर से बहू नहीं ला सकते, गोनल हमारे खानदान की अपनी लड़की है, हर हाल में शादी करनी होगी, और मैंने शादी कर ली। मुझे क्यों बता रहे हो मीरा? बोलने दो मुझे प्लीज। गोनल के साथ मेरा निकाह हो गया, और अल्लाह गवाह है कि मैंने एक दिन भी ना तो गोनल को बीवी की तरह देखा और ना ही कभी उसको छुआ। जैसे पहले सब कुछ था वैसे ही चलता रहा। कभी एक दूसरे को मियां बीवी की तरह नहीं समझा। हम कभी एक दूसरे के साथ कहीं नहीं गए। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, कोई ताल्लुक नहीं रहा। यह निकाह सिर्फ दादी जान चाहती थी, इसलिए मैंने किया। कभी उससे आगे नहीं बढ़ा मैं। गोनल मेरी बीवी नहीं है रियान, और कभी हो भी नहीं सकेगी। मेरे लिए वो हमेशा मेरी कजन रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात इससे आगे नहीं बढ़ सकती। अब तुम्हें समझ आ रही है क्यों किडनैप किया मैंने तुम्हें? ये सब इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया सब इम्पॉसिबल था रियान। कहीं पता नहीं चल रहा, हर जगह ढूंढ लिया उसे, न जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस अजीजा ने हमारे बेटे को हमसे पहले ढूंढ लिया तो क्या होगा? उसने अपने लोगों को तलाश में लगा दिया होगा। मैं जाकर उस अजीजा को खत्म कर देता हूं ताकि यह मसला यहीं खत्म हो जाए। जाने दे मुझे बाबा। रुको, यहां पहले ही सब बहुत परेशान है और तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। ऐसा करने से क्या आजाद और रियान घर वापस आ जाएंगे?
आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रियान इस हवेली में दोबारा वापस आएगी? क्या बात है बाबा, पहले भी आपके इन्हीं फैसलों की वजह से हम सब मुसीबत में आ गए थे। अब क्या चाहते हैं कि हम अपनी कब्रें भी यहाँ पर तैयार कर लें? हमदान, अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी हद में रहना चाहिए तुम्हें। मुझे अगर पता होता कि मीरान अगवा कर लेगा उसको तो उसे वहीं ना मार देता। आपको कैसे पता कि रियान अगवा हुई है? हो सकता है कि रियान अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो। यारिन, अपनी जबान कंट्रोल में रखो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ठीक कह रही है। मैं सब कुछ देखने के बावजूद खामोश हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि रियान अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई? मैं चुप नहीं रहूंगा। खामोश हो जाओ। अगर ये अपनी बेटी पर नजर रखते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जान, और ना ही मेरा बेटा इस मुसीबत में होता। आजाद की कॉल है। क्या आजाद, तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। आजाद, आजाद बेटा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है बेटा? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम्हें अपनी जिंदगी तक की कोई परवाह नहीं? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ, क्या मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता? रियान मेरी बीवी बनने वाली थी, मेरी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, उन लोगों को बस यही जबान समझ में आती है। इतनी मजाल के वो हमारे घर पर आकर रियान को किडनैप करके ले गए। हो सकता है रियान किडनैप ही ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि रियान अपनी मर्जी से गई हो। सोचो जरा, रियान खुद कॉल करके भी तो मीरान को बुला सकती है ना। उस दिन क्या हुआ था याद है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? खानदान, बस बहुत हो गया। तुम भाई आजाद बोलन को छोड़े और रियान को ढूंढने में फोकस करें। आजाद, क्या हुआ है? मीरान को कुछ हो गया है क्या? तुमने उसके साथ क्या किया है? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रियान अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये क्या कह रहे हो तुम आजाद? अभी तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि वो रियान है, कभी गलती नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती, है ना? वो बिल्कुल मासूम है और हमेशा बाकी लोगों की वजह से ही वो सिर्फ मुसीबत में होती है ना? ठीक है, मत करे मेरा यकीन, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि वो खुद से गई है। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने लगी? मुझे नहीं पता इस बारे में जहान। ये देखें। हाँ? देखें, आप भी देखें, ये देखें दादा जान, आपकी वही मासूम और साफ सुथरी पोती इसको छुपा कर बैठी थी। मीरान के सामने जब उसने ये कहा था ना कि वो उसको नहीं चाहती है, वो सब गलत था, झूठ था। वो अपने कमरे में बैठकर चुपके चुपके इसको देखकर रोती थी, वो भी उसके लिए जिसकी वजह से आज हमारा पूरा खानदान मुसीबत में पड़ा है। वाह भाई वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी याद सताती है। खानदान, तुम्हें असलियत का पता ही नहीं है, समझी? ऐसी बातें करके जल्दी पे तेल मत डालो। बस बहुत हो गया जहान, अपनी बेटी को समझाओ। आप लोग अभी यही समझते रहे कि रियान को किडनैप करके ले गया है वो ये शादी भाई से सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो इस हवेली में रह सके, और जब उसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है तो भाग गई वो, और अब मीरान को धोखा दे रही है और हमें इस हाल में छोड़कर चली गई है वो। असल बेकसूर तो मेरा भाई है, मेरा भाई बेचारा। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। खानम,
गोनल और मीरान का कुछ पता नहीं चल रहा, अब आगे क्या होगा? मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। गोनल को सही सलामत वापस ले आऊंगी, लेकिन पहले मीरान को ढूंढ लूं। माजरत चाहती हूँ खाना, मेरी औकात नहीं है कहने की। अगर आपने मीरान को ढूंढ भी लिया तो वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। मेहंदी की रात को ही वो उस लड़की को उठाकर ले गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी 27 साल की प्लानिंग मीरान की मोहब्बत की वजह से खराब हो जाएगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम जानती हो जगह के बारे में? जानती हूँ मैं, इस जगह के बारे में पता है मुझे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह है ये। मैं यहां पहले 2 दफा आया हूं, बहुत छोटा सा था, थोड़ा बहुत याद है मुझे। दादी जान थी, अस्मा आंटी थी, मेरी अम्मी वो भी साथ थी मेरे, और वो यहां पर मछलियों को घूर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, और अम्मी ने अचानक रोना शुरू कर दिया और दुआ की, और मैं अम्मी के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि रो क्यों रही हैं आप? कहती हैं कि बेटा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह है, अल्लाह यहां पे की गई हर दुआ कबूल करता है। और दूसरी दफा कब आए थे? जब मैं 10 साल का था तब आया। घर से भागकर इस जगह पर आकर रुका था मैं। क्यों? दुआ करने के लिए। अम्मी की बात ऐसे मेरे माइंड में रह गई कि जैसे पत्थर पे लकीर होती हो। क्योंकि ये मकाम इब्राहिम है तो यहां पर आकर रोऊंगा तो मेरे अंदर का दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने वहीं पे दुआ की जहां मेरी अम्मी ने दुआ की थी। अंदर का दर्द कम हुआ फिर? दर्द तो कम हुआ पर मेरे अंदर की कमी कभी पूरी नहीं हुई रेहान। जब मैं खाता था, जब मैं सोता, जब मैं रोता, जब मैं हंसता था, हत्ता हर सुबह जब मैं जागता तब भी मेरे साथ ही हुआ करती थी। मुझे उस गम के साथ रहने की आदत हो गई थी, यकीन करो। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उस गम को मेरे साथ बड़ा किया हो। तुम्हें पता है कि वो दर्द सिर्फ 1 दफा कम हुआ, और जानती हो वो लम्हा कौन सा है? जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, जब हमारी मंगनी हुई थी, तब तुम जैसे मुझे देखती थी, तब मैं अपने आप को कहता था कि मीरान, तुम्हें ऐसे खूबसूरत अंदाज में सिर्फ तुम्हारी मां ही देख सकती है, और सिर्फ तुम्हारी मां ने ही तुमसे ऐसी मोहब्बत की थी। मेरी मां के बाद अब तुम्हें मेरे अंदर किस कमी को पूरा करती हो। ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने वो सब किया मेरे साथ, मतलब अपनी जिंदगी की कीमती चीज बर्बाद कर दी। रियान, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना मुश्किल है एक इंसान के लिए जब वो दिल और दिमाग के बीच में फंस जाता है, जब वो कोई फैसला ना कर पाए? ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। जब कोई आग में जल रहा होता है तो वो यहां पर आता है, क्योंकि इस जगह आग बुझ गई थी, ठंडी हो गई थी आग, और मेरे अंदर जो आग लगी है उसको सिर्फ और सिर्फ तुम बुझा सकती हो रियान। ऐसे ही मेरी तरफ प्यार से देखते हुए।
बेटा, इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम तो चाह रहे हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन अब तो डर लग रहा है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब बेहतर हो जाएगा। खानम को रोकना मुश्किल है फिराद। हेलो, ढूंढ लिया तुम लोगों ने? मुझे लोकेशन भेजो फौरन। गोनल का कुछ पता लगा है? नहीं अम्मी, मीरान का पता चल गया है। मैं जाकर दादी जान को इन्फॉर्म करता हूँ कि जाकर रियान को वहां से ले आए, ताकि ये मसला यहीं सॉल्व हो जाए। रुक जाओ बेटा, अजीजा खानम को ये बात बतानी होगी। अम्मी कैसी बात कर रही हैं? मैं मीरान की बात कर रहा हूँ। रियान उनको देकर गोनल को वापस ले आते हैं और ये मसला यहीं खत्म। शाहदोलो वालों का कुछ पता नहीं है फिरात। इंतकाम ने इनका घर बर्बाद कर दिया और देखो खानम अभी तक उन पर दबाव डाल रही है। तुम्हें कैसे पता है कि वो एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे? अगर उन्होंने रियान को लेकर गोनल को वापस ना किया तो, या फिर मीरान ने गुस्से में आकर उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया तो, और अगर वैसे भी मीरान को पता चला कि तुमने उसकी लोकेशन बताई है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सोच लो तुम। लेकिन मेरा मीरान से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। इस दफा मेरी बात मान लो बेटा, ऐसा मत करो। मौसम अच्छा है, अच्छा हुआ हम यहां आ गए। से ज्यादा अच्छी लगती हो। वो देखो पतंग। पतंग उड़ाना पसंद है तुम्हें? हाँ पसंद है मुझे, लेकिन पता नहीं मैंने कभी उड़ाई नहीं है। ये कौन है? गुल मुझे कैसे मैसेज कर सकती है? गली के कोने पे आ जाओ, मैं काले रंग की गाड़ी में हूं। इसको जाकर तो देखूं जरा। वाह भाई वाह, इसको तो देखो जरा, गाड़ी भेजी है मेरे लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? मैं खुद बैठ जाऊंगी। क्या देख रहे हो, घूर क्यों रहे हो मुझे? दरवाजा बंद करो अब, चलो। क्या हुआ, तुम्हें शक हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेहान ऐसा नहीं कर सकती।
तुम्हारी जुबान तो यही कह रही है लेकिन आंखें कुछ और। देखो आजाद, अब ये तो क्लियर हो गया है कि तुम लड़कियों को नहीं जानते हो। मुझे इतने थोड़े टाइम में पता चल गया है कि रियान कितनी चालाक है, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। तुमने मुझे अपनी जुबान से नहीं बताया था कि रियान के साथ क्या क्या हुआ है। कोई भी औरत किसी और बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, समझे तुम। और एक बात, मीरान जब तुम्हारी हवेली में आकर रियान को ले जाने का कह रहा था, तब भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रियान कितनी नफरत से मीरान को देख रही थी। आजाद, अगर उसको जाना होता तो वो बहुत पहले जा चुकी होती। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जरा सोचो, एक दफा जाने की कोशिश की लेकिन फिर वापस घर आ गई। मान लिया कि तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं आई, लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेंस देती है, नहीं पता कैसे, लेकिन तुमने रियान को सोचने पर मजबूर किया है। चलो मान लिया रियान की मर्जी ना हो, हो सकता है मीरान जबरदस्ती ले गया हो। बाहर आ जाओ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं खुद बैठी थी, खुद उतर भी सकती हूँ, समझे? या अल्लाह। अब तुम जा सकते हो। वाह वाह वाह, मैं समझी कि सुल्ताना होंगी, लेकिन असल में मुझे बुलाने वाली अजीजा असलाम बे है। मैं सुल्ताना बेगम का वेट कर रही थी और यहाँ आप नमोदार हो गई। आपने सोचा कि मुझे किडनैप कर लिया है ना, लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से अपने पैरों पर चल के यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें किडनैप करके क्या करूँगी? तुम वाकई शादुलो खानदान की हो, खुद को बहुत अकलमंद समझती हो, लेकिन हकीकत में तुम एक पत्ता भी हिलाने के काबिल नहीं। फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बताएंगी आप? मेरे इर्द गिर्द घूमने से क्या मिल रहा है आपको? जो कहना है फौरन कहें। मुझे अपने भाई का पता बताओगी? मैं आपको अपने भाई का पता बताऊंगी, है ना? तो साबित हुआ कि तुम अपने दादा की तरह अकलमंद नहीं, और ये पता चलने के बाद कि तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, फिर भी उसको सबसे छुपाए रखा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये झूठ है क्या? मेरी बहू और पोती को बात करते नहीं सुना, और उसको अपने घर वालों से नहीं छुपाया तुमने? शादुलो खानदान का नाम खराब करने में क्या तुम्हारा कोई हाथ नहीं? हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं लेकिन किया। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, उसको नहीं पा सकोगे। तो फिर अब तुम मुझे अपने भाई का पता बताओगी? मुझे नहीं पता। तो फिर जाओ, जाके मालूम करो, और जब मालूम हो जाए तो मुझे खबर देना। मुझे गोनल के नंबर से इन्फॉर्म कर सकती हो। आपको लगता है कि अपने भाई का पता मैं आपको दूंगी ताकि आप लोग जान से मार दें उसे? तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। अजीजा असलान भी अपना हिसाब किताब गोली चला के कभी भी पूरा नहीं करती। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई होगी। जो कहना था कह दिया। अब तुम अपने भाई का पता लगाकर मुझे खबर करोगी। मेरा क्या होगा, मैं घर कैसे जाऊंगी वापस? अल्लाह की दी हुई इस अकल से तुम यकीनन कोई रास्ता निकाल लोगी, और अपनी इन कांपती टांगों से घर का रास्ता ढूंढ ही लोगी।
या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम। अल्लाह, क्या करूं? बेगम साहिबा, क्या आपको नहीं पता था कि इस लड़की ने आपको अपने भाई का पता नहीं बताना? आखिर वो अपने भाई का पता आपको क्यों बताएगी? तुम भी उस लड़की की ही तरह हो महमूद, ज़हीन तो हो लेकिन अक्ल नहीं। मैंने उस लड़की को उसके भाई का पता जानने के लिए नहीं बुलवाया था। अब जाके वो अपने घर में खुद ही बता देगी कि उसके साथ क्या हुआ। से ज्यादा अच्छी लगती हो। उफ रेहान, अपने आप को संभालो तुम। देखो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, चलो आओ। पतंग तो तुम यूं लेकर आए हो जैसे हमारे बीच सब नॉर्मल है। पतंग नहीं उड़ा सकते क्या? हाँ, मेरे लिए क्या सिर्फ आज एक दिन के लिए नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर सकते हैं हम? आओ चलो अपने माजी को भुलाते हैं, सिर्फ हम दोनों साथ, सिर्फ आज के दिन। आ जाओ, चलो। तुम इसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना? और जब मैं कहूंगा इसे छोड़ दो तो छोड़ देना, और इस तरह पतंग खुद ही हवा में उड़ने लग जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लो। मैं इसे कहां से पकड़ूं? यहां से। हाँ, यहां से। हाँ, चलो तुम पीछे हो जाओ। ऐसे? हाँ, चलो अब तुम आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाओ, ठीक है? हाँ, और पीछे। हाँ हाँ, और अभी उड़ जाएगी क्या? हाँ थोड़ा और। रेडी हो तुम? हाँ। जब मैं कहूंगा तो छोड़ देना, ठीक है? 3, 2, 1, छोड़ो। छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ो। आओ पकड़ो इसे जल्दी से। जल्दी लो पकड़ो। कैसे उड़ाऊंगी मैं इसे? इसे अपनी तरफ खींचो और फिर वापस छोड़ दो। समझो कि तुम ही ये पतंग हो। तुमने तो बहुत जल्दी पतंग उड़ाना सीख लिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे, अरे गिरने मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कितनी अच्छी उड़ रही है ना। इसे छोड़ देते हैं, हम दोनों जाने देते हैं। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? पतंग उड़ गई।
उड़ गई। जाने दिया उसे जैसा तुम चाहती थी। पता चला क्या? अभी तक नहीं ढूंढ सके। और अगर वैसे भी मीरान को पता चला कि तुमने उसकी लोकेशन बताई है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिराद बताओ मुझे, कोई बुरी खबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लोगों को कुछ सुराग मिल गए हैं। मीरान का या फिर गोनल का? मीरान उर्फा सिटी में। सुल्ताना, अपने आप को संभालो, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस ला कर दूंगी। मीरान ने रियान को वापस ना किया तो? उस शादुलो खानदान की लड़की का तो पता नहीं, लेकिन आज इस घर में तुम्हारी बेटी अपनी माँ के पास जरूर वापस आएगी। फिराद, तुम अपने लोगों को कहो कि मुझे उसकी लोकेशन सेंड करें। मैं जा रही हूं और तुम यहीं रुको। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी साथ चलूंगा। फिराद, तुम भी इसी घर के फर्द हो। अगर मुझे अमीरान को कुछ भी हो जाता है तो इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम पर आई होती है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको कुछ नहीं होगा। दादी जान, ये तुमने क्या किया? मीरान का पता तुमने क्यों बताया इनको? आप फिक्र न करें अम्मी, मैंने वही किया जो ठीक था। गोनल का इस घर में वापस आना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ना तो आजाद को कुछ पता चला और ना ही उन लोगों का जिन्हें उसे ढूंढने भेजा था। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो तुम? अजीजा के पास। उसके पास जाकर क्या करोगे? आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो अजीजा नहीं? जान, अभी तुम उस औरत से वाकिफ नहीं हो। उसके पास नहीं जाओगे तुम? हाँ बिल्कुल नहीं जाता हूँ। आप और भाई जरा एक बात तो बताएं, ये मैं आखिर किस गुनाह की कीमत चुका रहा हूँ? हद में रहो अपनी। हद पार नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इसका कोई ना कोई ताल्लुक भाई से जरूर है और आप इसे छुपा रहे हैं, क्योंकि जब यारिन का रिश्ता उसे दे रहे थे तो वो मान जाते। रियान ही क्यों? क्योंकि उनका कोई ताल्लुक भाई से जरूर है। मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सच नहीं बता रहे तो मैं अजीजा से पूछूंगा और इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। अम्मी! अम्मी! यारिन? यारिन? अम्मी! यारिन! क्या हो गया तुम्हें? दादा, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे किडनैप कर लिया था। क्यों? किसने तुम्हें किडनैप किया? ये क्या कह रही हो तुम? अजीजा। अजीजा ने? ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ से लेके गई वो तुमको? मैं बस स्टोर पे गई थी सिर्फ, वहां से मुझे घर में जबरदस्ती बिठा कर ले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में तुम अकेली घर से बाहर गई क्यों? क्या तुम नहीं जानती हम पहले कितने परेशान हैं? जान, तुम्हारा दादा जिंदा है, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं तो, कुछ भी नहीं किया मैंने। वो मुझे उस पहाड़ी पर ले गई थी, फिर वहां पर छोड़ दिया मुझे।
मैं वहां से पैदल चलकर आई हूँ। बाबा ये सब क्या हो रहा है? उसने तो हद पार कर दी, हम कितना बर्दाश्त करें? उस औरत के नजदीक तो किसी की जान की कोई अहमियत ही नहीं, अब वो हमारी औलाद को तकलीफ दे रही है। दादा जान प्लीज कुछ करें, बदला लेना होगा आपको। इजी हो जाओ मेरी बच्ची, इजी हो जाओ। अगर अजीजा ने अगवा कर लिया था तो फिर उसने छोड़ क्यों दिया तुम्हें? क्योंकि वो जानती है कि मासूम हूँ मैं। उसको पता है कि मैं आपके सबसे लाडली हूँ। वो आपको तकलीफ देना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे किडनैप किया है। वो मुझे नुकसान पहुंचाकर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहती है। दादा जान मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं आपको, अम्मी को, अब्बू को देखे बगैर दूर कैसे रह पाऊंगी? मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अजीजा हमसे चाहती क्या है। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हूँ, वो ये समझाना चाह रही है हमें। अरे आपकी बेटी को तो घर में लाकर सबसे बड़ा गलत कदम तो उसी दिन उठा लिया था हमने। खानदान तुम्हें तो बस। हेलो, खिजर साहब क्या हुआ है? कुछ काम है खिजर।